पंजाब नालों वख चंडीगढ़ का प्रशासक लगाए जाण दीआं कंसोआं विचाले गृह मंत्रालय ने सफाई पेश की है। जी हाँ, गृह मंत्रालय वालों बकायदा स्पष्टीकरण दिता गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि अजिहा कोई भी फैसला फिलहाल विचार अधीन नहीं है। पंजाब के राजपाल दीआं जिम्मेवारियां घटाउण बारे फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया, यह स्पष्टीकरण दिता गया है गृह मंत्रालय वालों। तुहानूं दस दईए कि श्रोमणी अकाली दल के वफद ने इस मुद्दे पर उपराष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की सी। केंद्र वालों ले जाने वाले किसी भी अजिहे फैसले का विरोध करन दी गल आखी गई सी, पर फिलहाल जो स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों आया, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि अजिहा फिलहाल कोई भी फैसला ना लिया गया, ना ही अजिहा कोई फैसला विचार अधीन है। हालांकि तुहानूं दस दईए श्रोमणी अकाली दल वालों अजिहे किसी भी फैसले के विरोध की चेतावनी दी गई सी। ऐसे खबर से होर गलबात फिलहाल सीधा रुक करांगे, साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा इस वेले जुड़ रहे हैं। जी हरप्रीत, जानना चाहांगे तुहाडे कोलों कंसोआं चल रही सी, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे वफद वालों उपराष्ट्रपति दे नाल मुलाकात भी की गई, तो हुण इह स्पष्टीकरण की वेख्या जाए, किवें वेख्या जा सकता इस पूरे मसले नूं? जी बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल सारा मामला पकड़िया तां जाहिर तौर से पूरे पंजाब दीआं नजरां इस ते सन, सारे दुनिया च वसदे पंजाबियां दीआं नजरां इस चीज़ ते सन कि जिस तरीके नाल पहला राजधानी गई उसनूं दो सूबिआं दे विच वंड दित्ता गया, तां कि हुण जिहड़ा बणदा हक है शायद उसनूं वी इस तरीके दे नाल बैकडोर राहीं खोण दी तैयारी है। तो उस तरीके उस चीज़ दे केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ के प्रशासन के बदलाव के किसी प्रस्ताव से विचार नहीं किया जा रहा। उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया है कि जिहड़ा कहा जा रहा है कि राज्यपाल पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर तो हटा के एक इंडिविजुअल तौर पर उत्थे प्रशासक लाने की तैयारी है, उसका फैसला ना ही किया गया है, ना ही यहोजे किसी प्रस्ताव से विचार किया जा रहा है। मनिया जाए कि एक वड्डी राहत हो सकती है सब पंजाबियों वास्ते, खास तौर से जिस तरीके श्रोमणी अकाली दल वालों उपराष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की गई थी, उस मुलाकात दे विच इस मसले नूं चुक्या गया कि किस तरीके दे नाल चंडीगढ़ का प्रशासक जिहड़ा है उसनूं लाण की तैयारी जिहड़ी है की जा रही है। तो उस तों मनिया जाए कि यह एक वड्डी राहत की खबर हुण निकल के आई है। जी बिल्कुल, वाकई जी समझा जा सकता है कि यह राहत भरी खबर है, और श्रोमणी अकाली दल ने भी जिस ढंग के नाल चेतावनी दी, समझा जा सकता है कि केंद्र भी इस गल नूं चंगी तरह हुण जान चुकिया है कि अजिहा कोई भी फैसला मंजूर नहीं होवेगा पंजाबियों। फिलहाल बेहद शुक्रिया हरप्रीत, सारी खबर साडे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। अगली खबर का फिलहाल रुख कर लें। कैप्टन सिद्धू विचाले जिहड़ी तलखी चल रही है वह घट होने का नाम नहीं लै रही। जी हाँ, इसकी एक होर मिसाल अज मुड़ तो वेखन मिली। सिद्धू वालों सदन के बावजूद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू वालों सदी गई मीटिंग दे विच नहीं पहुंचे। जी हाँ, चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन च नवजोत सिद्धू वालों यह मीटिंग उचेचे तौर पर सदी गई सी। इस तो बाद प्रगट सिंह का बयान आया, प्रगट सिंह बोले कि डेकोरम मुताबक कैप्टन नू मीटिंग दे विच आना चाहिए सी। फिलहाल दस दिए कि सिद्धू वालों सदी गई है मीटिंग महज और महज सिर्फ और सिर्फ एक फ्लॉप शो साबित हुई। जी हाँ, फ्लॉप शो रही सिद्धू वालों सदी गई है मीटिंग। सिद्धू की मीटिंग तो कैप्टन के करीबियों ने भी दूरी ही बना के रखी। मीटिंग च पहुंचे कुछ मंत्री मीटिंग के एजेंडे तो अनजान नजर आए। स्पष्ट तौर पर गल साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू को भावें प्रधानगी का अहुदा दे दिता गया है, हाईकमांड ने नवजोत सिंह सिद्धू शांत करने के लिए उन्होंने यह अहुदा सौंपता दिता है, पर सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने की तलखी किसी भी कीमत पर घटन का नाम नहीं लै रही। किसी भी हद तक यह तलखी घटती विखाई नहीं देती। खिडारियों सम्मानित किया जाना सी, नवजोत सिंह सिद्धू उत्थे नहीं पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू वालों मीटिंग सदी गई, अज कैप्टन उत्थे नहीं पहुंचे। तलखी बरकरार, तकरार लगातार दोहां अगुआं विचाले बरकरार विखाई दे रही है। तो आज क्या चीफ मिनिस्टर को भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो भी MLA है पटियाला से, नगर निगम है? नहीं, देखो पार्टी का डेकोरम है, मेरा ख्याल है कि हर को फॉलो करना चाहिए।